देख तो इमेज वाला हम लोगों ने वेब पिक्चर वाला काम किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, जिससे हमारा इमेज का जो लोडिंग साइज था वो इम्प्रूव हो गया था। दूसरा हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन और हमने टाइटल वगैरह एसईओ फ्रेंडली नहीं डिफाइन किया था, वो पार्ट हमने कर लिया था। सो पेज स्पीड इनसाइट्स जो है बेसिकली आपको वो आपको रिपोर्ट देगा कि आपका टेक्निकल वाला पार्ट क्या है, ठीक है। और जो हमने एक वेबसाइट देखी थी एसईओ ऑप्टिमर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रैंक कुछ आ रहा था शायद, रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, सी समथिंग कुछ आ रहा था सी, अभी लास्ट क्लास अपनी हुई थी फ्राइडे 22nd, रिकॉर्डिंग हुई थी उस दिन, नहीं हुई थी। एक्चुअली क्या है ना कि एस सी ऑप्टिमा ट्राई करते हैं तो इसका वन मूव ही मिलता है अपने को, वन या टू। तो मोबाइल पर एक्सेसिबिलिटी हमारी 94 स्कोर कर रही है, एसईओ हमारा 100% है, ठीक है, दोनों जगह पर अपना सेम ही चल रहा है। मोबाइल की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी जैसे हमारे रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट कंप्लीट होगा। तो अभी हमारा जो इसमें आ रहा है वो क्या आ रहा है, सी प्लस, ठीक है, परफॉर्मेंस पर हमें ए रैंक मिला है, यानी कि वेबसाइट की स्पीड वगैरह सब सही है। सोशल मीडिया हम लोगों ने लगाए तो हैं बट उनको फंक्शनल नहीं किया है, तो इसलिए हमारा सोशल मीडिया का रैंक गिर रहा है इसके अंदर, देख रहे हो ये। तो ये वाला जो पार्ट है ये है जो ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ टेक्निकल, ये जो पार्ट है दिस इज़ अ ऑन पेज, ठीक है। तो ऑन पेज पर क्या क्या चीज़ें की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको आप कम से कम बी प्लस या ए पर लेके आओ, ए प्लस भी चला जाता है, ठीक है, अगर आपका वेबसाइट अच्छा होगा, ठीक है। तो एफ रैंक हमें मिल रहा है सोशल मीडिया को, यानी कि हमने आइकन लगाया लेकिन उसको कहीं पर फंक्शनल नहीं किया। तो नीचे आते हैं जैसे, तो इस पर कोई लिंक असाइन नहीं है, तो चलो ऑनलाइन आते हैं ज़रा इसके और सोशल मीडिया का हम लोग स्कोर बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो लकीली हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो यहाँ से ftpupload.net, सॉरी ये हमने गलत ओपन करा है, हमें सी पैनल में आना है, यहाँ से यूज़र नेम कॉपी पासवर्ड एंड लॉगिन।
तो चलिए ऑनलाइन फाइल मैनेजर में आएंगे। HT डॉक्स, और ये हमारा ओल्ड वाला फोल्डर था जो हमारा JPG PNG वाला था, और ये हमारा वेब पिक्चर वाला था। बैक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को हम लोग एडिट करेंगे यहाँ से। सोशल मीडिया के कंट्रोल हमने लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। तो इसको आपने क्या करना है, ए टैग में रैप कर देना है। तो यहाँ से ए टैग करेंगे कॉपी, ऑल्ट के साथ सभी जगह पर क्लिक, यहाँ पर पेस्ट, फिर क्लोजिंग करेंगे इसका। कंट्रोल एस करके देखो क्या प्रॉपर हमारा हैंड सिंबल बना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, बट फिर भी आप सेफर साइड करके चलो। यहाँ पर अभी देखो कोई हैंड का सिंबल नहीं है जैसे यहाँ पर आ रहा है। रिफ्रेश करें, स्क्रॉल डाउन करना है, कंट्रोल यू प्रेस करिए, नीचे आइए। अभी यहाँ अपडेट हुआ नहीं है। वन मोर टाइम सेव, तो देखो लिंक बन गया यहाँ पर। तो इस पर आप, अभी हमने सिर्फ ए टैग इंसर्ट किया है, आप यहाँ पर डेडिकेटेड जैसे इंस्टाग्राम है तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम का URL कॉल कर दो। यहाँ पर आएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड यहाँ से व्हाट्सएप। डिफॉल्ट URL, फिर क्या है अपना ट्विटर। व्हाट्सएप सेव करिए। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि F5 पर ना चेंज होगा नहीं, तो आपने क्या करना है, हार्ड रिफ्रेश करना है, कंट्रोल F5। तो जैसे एक बार रिफ्रेश करके देखिए, अगर लिंक इसमें एड ऑन हुआ होगा तो नीचे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आ गया यहाँ पर निकिता। दिव्या और किसने भी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इसको हमें चेक करना है कि हमारा क्या ये वाला पार्ट अपडेट होता है कि नहीं। अच्छा ये ना ये भी चेक करता है कि जब आप कोई हैंडल लगाते हो, ठीक है, तो जैसे मान लो आपका फेसबुक है, तो अगर आपका फेसबुक पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये उसको भी ट्रेस करेगा, ये पता लगा लेगा कि भाई आपके कितने लोग फॉलोअर बन रहे हैं या कितने लोग आपके सब्सक्राइबर हैं। तो फिलहाल एक रिफ्रेश रिक्वेस्ट करके देखते हैं हम लोग। हाँ, मैक्सिमम लिमिट हो गई इसकी, एक ही बार चलता है।
एक दूसरे ब्राउज़र पर ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इसका सेशन हो चुका है, दूसरे पर डाल के देखते हैं। अभी लोड हो रहा है, तो ये देख रहे हो यूज़ेबिलिटी का इशू। यूज़ेबिलिटी का मतलब ये कि आपका टैबलेट और मोबाइल दोनों पर आपका जो डेटा है वो ढंग से रेंडर नहीं हो रहा है, इसमें दिक्कत है। तो आपको अपनी यूज़ेबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे रिस्पॉन्सिव आपका इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी आपका मूव। तो हमें ये जो पेंटागन हम लोग यहाँ बना देख रहे हैं ना, आपने कोशिश ये करना है कि एटलीस्ट लास्ट लाइन तक हम लोग टच करें अपनी चीज़ों को। तो अगर इस तरह से आपने कर लिया तो आप ए तक पहुंच जाओगे। तो देखो आपके पास दूसरा एक ब्राउजर होना चाहिए। एक ब्राउजर में ना ये एक सेशन काउंट कर लेता है, दूसरे पर चल गया हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सोशल मीडिया के हमने सिर्फ लिंक्स लगाए हैं, लेकिन उसके आगे हमने कोई हैंडल नहीं दिया इसको। अगर आप इसको कोई हैंडल दे देते तो ये काम करेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं इन सभी के आगे लिख देता हूँ स्लैश, अपने पेज का कुछ डाल देते हैं इस पर, तो आप डाल देंगे व्हाट्सएप का जो हम लोग रखते हैं जनरली। कैप्स लॉक ऑफ, तो ये अपना यूआरएल होता है, ठीक है। ये आप इंटीग्रेट कर दोगे सीधा आपको व्हाट्सएप पर ले आएगा। से डिफाइन कर देंगे। कोशिश करें कि जब भी हम लोग कोई सोशल मीडिया डिफाइन कर रहे हो तो सभी का जो हैंडल है वो सेम हो। ऐसा ना हो कि इंस्टाग्राम पे कुछ और चला रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ और चला रहे हैं, मतलब कुछ भी जो मिल रहा है उसी के साथ जा रहे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आप यूएस यूके बेस्ड हो, ठीक है, मतलब वहाँ के कस्टमर को अगर आप अट्रैक्ट करें तो आपको क्या चलता है वहाँ पर, वो अपना टिकटॉक वो भी लगाना है, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो इंडिया में तो बैन है, लेकिन वहाँ पर चल रहा है। तो उस तरह के कस्टमर के लिए आपको ध्यान रखना है कि टिकटॉक में भी इंटीग्रेट करके इसमें देना है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जैसे अगर हम लोग यूट्यूब भी इसमें अगर इंटीग्रेट कर दें, हमने यहाँ से कोड को कॉपी किया, पेस्ट करना है अपना, लिखेंगे यूट्यूब और यहाँ पर नेम सेम रहेगा और यहाँ पर आइकन क्या हो जाएगा अपना यूट्यूब, ठीक है। तो अगर हमारा कोड ये सही है तो हमें यहाँ पर आइकन यूट्यूब का रिटर्न आना चाहिए इसके अंदर। प्रेस करेंगे Ctrl F5, पेज में नीचे आ जाएगी, इंटीग्रेट हो गया यूट्यूब इसके अंदर इस तरह से। तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो हम व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से अपना ट्विटर काम करेगा। अब जब भी आप इस तरह की लिंक लगाते हो तो ध्यान रखना है कि हमारा पेज रिप्लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा टारगेट, इन सभी जगह पर आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे टारगेट एट्रीब्यूट और टारगेट की वैल्यू को आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक
इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही जो टैप करेगा एक नया टैप खुलेगा, वो हमारी वेबसाइट को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि एक बार वेबसाइट अगर रिप्लेस हो गई और उसने 3-4 बार उसमें जाके कुछ कंटेंट देख लिया आपके सोशल मीडिया के अंदर, तो फिर बैक बैक करेगा तो सोशल मीडिया में घूमता रहेगा, आपकी वेबसाइट पर नहीं पहुँच पाएगा विजिटर। तो ये लगाओ, फिर से रिफ्रेश करिए, ठीक है। तो जैसे और क्या क्या हो सकता है, पिंटरेस्ट हो सकता है, आप उसको इंटीग्रेट करो अपने इसमें, जैसे लिंक्डइन नहीं है इसके अंदर, लिंक्डइन को इंटीग्रेट कर लो, तो ट्राई करेंगे लिंक्डइन के साथ ही। जितने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास होंगे उतना बढ़िया आपका सोशल का स्कोर जो होगा वो इम्प्रूव होगा। लिंक्डइन youtube.com के बाद में मिस्टेक हुई है, youtube.com प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, ये देखो अपने सभी लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे मैं यूट्यूब डाला है, अभी यूट्यूब पर क्या आ रहा है, एरर कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब डालोगे ध्यान रखना उसके सामने एट द रेट और लिखना है, तो यहाँ पर क्या करना है एट द रेट, और फिर से इसको आप कंट्रोल एस करोगे और यहाँ पर आपने रिफ्रेश करना है इसको, कंट्रोल F5 ऐड हो गया ना। अब अगर हम लोग क्लिक करें तो देखो पहुंच गए हम लोग उस पेज के ऊपर, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप चाहो, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में आई थिंक एट द रेट मांगता है या चल जाएगा, चलिए, और लिंक्डइन, लिंक्डइन नहीं चल रहा है, लिंक्डइन पर को देना पड़ेगा एट द रेट, कंपनी लिख के आता है, फेसबुक, ट्विटर, चलिए ऑल सेट, क्लिक ऑन सेव, पेज को रिफ्रेश करिए। तो इस वाले में हम लोग यहाँ पर रिलोड करके इसको देखेंगे, क्विक कॉल इट, अभी सोशल में ट्रेस नहीं कर रहा क्योंकि जस्ट अभी हमने इंटीग्रेट किया, तो शायद हम लोग कल वाले में इसको एक बार ज़रा चेक करें तो हमारा ये दिखा दे इसका डेटा। और भी कुछ साइट्स होती हैं जिसके ऊपर लोग जाके चेक कर सकते हैं, तो अपना एक हम फाइल ओपन करेंगे ड्राइव के अंदर, हिस्ट्री में जाइए और अपनी 20 सेकेंड को ही देना क्लास, यहाँ पर हमने इस फाइल को बंद कर लेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल है, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप जब ये ना टूल्स हैं सारे के सारे जो SEO में जनरली यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक वेबसाइट है technicalseo.com, ये ना आपको ट्राई करते रहना है, ये चलती रहती है, बंद होती रहती है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हमेशा रहेंगी आपकी, जैसे कि शैमरस काफ़ी फेमस है आपका SEO में, टेक्निकल SEO पर आइए,
बेसिकली जैसे कि आपकी वेबसाइट में टेस्टर अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब ये फाइल अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर जैसे जाओगे गूगल टूल्स, अपना यू आर एल बताना है आपने। हमारा यू आर एल है कॉपी, यू आर एल को कॉल करिए। किस बॉट को बेसिकली आप टेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको बिंग, गूगल, एमेजन सब मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग जैसे गूगल बॉट को चेक करेंगे, क्लिक ऑन टेस्ट, ठीक है। इसी तरह से आप एक दूसरा देखेंगे, यहाँ पर फिर से इसको टेस्ट करेंगे। तो अगर आपकी फाइल अवेलेबल होगी तो यहाँ पर ही आपको क्लियरली डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर ये नहीं आ रहा इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या है, वो आपका टूल जो है वो मिसिंग है। तो ये है टेक्निकल एसईओ। इसमें जैसे एचटीटी एक्सेस टेस्टर, ठीक है, साइट मैप जनरेटर, आरएसएस, फैच एंड रेंडर, और देखो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स टूल, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। तो जैसे आप चेक करना चाहोगे हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, तो आप यहाँ जाके अपना यूआरएल कॉल करके इसको टेस्ट पर डालें। यहाँ पर क्या लिखा रहा है मोबाइल फ्रेंडली में, बट क्या बोल रहा है, व्यू पोर्ट जो है वो डला हुआ है, फिक्स विड्थ भी है, साइज कॉन्टेंट व्यू पोर्ट, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बट रिस्पॉन्सिव नहीं डाला हुआ। तो पता चलिए एक बार भी यूआरएल डाल के, तो इस तरह के ना ये जो फाइल जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तब जाके वहाँ पर ईजिली जो फ्री वाले टूल्स हैं उनसे चेक कर सकते हो चीज़ें। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेकर्स उसमें अवेलेबल है जिसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए आपको लिंक दे देता हूँ। व्हाट्सएप गड़बड़ हो गया, पीडीएम वाले बैच में तो गए नहीं लोग, इसलिए उसने यासीन वगैरह से ज्वाइन नहीं किया। दो ग्रुप चल रहे ना, एक तो डेवलपर्स का चल रहा है, उनका चल रहा है ना। अच्छा, तो मुझे ध्यान आया मैंने कि वो आए क्यों नहीं बच्चे। तो वो वाली क्लासेस इस्लाम में हो रही है ना, इसमें हो रही है शायद। ये अच्छा वापस भाई ले रहा एक्चुअली क्या होगा ना, यहाँ पर दो स्क्रीन लगी, समझ नहीं आया कैसे चला। वो मैंने देखा था ये मैंने आपको टूल का लिंक भेजा है। तो थिंक विद गूगल हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो जिसको हम लोग आज की डेट में पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव के नाम से जानते हैं, एक वेबसाइट है अपनी आंसर द पब्लिक, ये भी एक पेड टूल है, और इसको भी आप एक बार चला के देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली नील पटेल के अंडर में ये बेसिकली मर्ज हो गया है। नील पटेल बेसिकली क्या है कि आपका गुजरात बेस्ड पर्सन है, बेसिकली जो यूएस के अंदर जाके सेटल हो गया, और इसने ज़बरदस्त अपना एक टूल बना लिया विच इज़ उबर सजेस्ट।
ऊबर सजेस्ट, ऊबर सजेस्ट ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है वहाँ पर। अभी इंडिया के लिए इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बंदा जहाँ का होता है उसको वहाँ की नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी होती है। तो यहाँ के लिए ये अभी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये सैमरस या जैसे हमारा HRF टूल आते हैं उसके टक्कर पे टूल इंडिया में आ जाएगा। बट हाँ, कॉस्ट इसकी काफ़ी अच्छी खासी है अगर आप इसको खरीदते हो। टूल बहुत फेमस बन रहा है इसको, तो जैसे इसका टूल आता है ऊबर सजेस्ट, तो ये इनका बेसिकली अपना वेबसाइट है ठीक है। तो जैसे इसमें अगर आप जाओगे, इसकी प्राइसिंग मॉडल उन्होंने यहाँ दिया हुआ है, तो अगर आप जैसे इंडिविजुअली अपने लिए काम कर रहे हो तो यहाँ पर ना ऑप्शंस आते हैं, जैसे लाइफ टाइम अगर आपने खरीदना है कि एक बार पे कर दिया फिर दोबारा पे करने की जरूरत नहीं ज़िंदगी भर। तो यहाँ से आप देखो बिजनेस के लिए 2 से 7 वेबसाइट आप इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो, सिंगल वेबसाइट के लिए $120 एक बार पे कर दो काम खत्म। और एंटरप्राइज लेवल पर जैसा कि कोई एजेंसी वगैरह है तो आपने $400 आपने पे किया लाइफ टाइम। तो 8 to 15 वेबसाइट का मतलब ये है कि एट द टाइम आप मिनिमम इतनी वेबसाइट्स को उसमें मैनेज कर सकते हो, इतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स ठीक है। अब मान लो कोई आपके पास 16 नंबर का आ गया तो आपको पहले वाले में से डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके आप नेक्स्ट वाले को मॉनिटर कर पाओगे। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप देख रहे हो पर डे कितने सर्चेस कर सकते हो इसके अंदर, 15 डोमेन हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं, 300 कीवर्ड्स को आप ट्रैक कर पा रहे हो पर डोमेन ठीक है, 15 कंप्यूटर पर डोमेन आप ट्रेस कर पाओगे, 10,000 पेज स्कैन कर सकते हो आप, और 5 यूज़र इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक एजेंसी लिया हुआ है, मैंने पे करके वन टाइम के ये अकाउंट लिया, तो मेरे पास अलग अलग SEO एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं, तो मैंने सभी का यूज़र बना के कंट्रोल किया, सुपर यूज़र मैं बन गया उसके अंदर। वो क्या कर रहे हैं मुझे पता रहेगा, वो लोग भी अपना सारा काम करते रहेंगे। एक इसका दूसरा मॉडल आता है जिसमें ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, लाखों में चला जाता है टूल इसका ठीक है। फिर इनके कुछ इस तरह के अपने ले आते हैं प्लान। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा अपना AI टूल भी बना दिया जिससे आप कंटेंट राइटिंग वगैरह का काम ले सकते हो। तो ये टूल है, यहाँ पर जाके आप अपना एक टेस्टिंग अकाउंट वगैरह इस पर अपना क्रिएट कर सकते हो, और ये 1-7 दिन मैक्सिमम ये फ्री चल जाता है। और शायद ये क्रेडिट कार्ड की डिमांड करते हैं आपसे, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो ठीक है। 1 रुपये की ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट डेबिट होके वो वेरीफाई हो जाएगा, चला सकते हैं इसको। तो ये देखोगे आप यहाँ पर डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग अबाउट, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक टॉपिक लिख दिया एनिमेशन इंस्टीट्यूट ही ले लेते हैं, इन इंडिया हम लोग सर्च कर रहे हैं, इंग्लिश में सर्च करेंगे, क्लिक ऑन सर्च, तो बड़ा रिफाइंड तरीके से आपको सर्च इसका दिखाएगा ठीक है। जैसे हमने जो अपना इसको एक क्वेरी दिया था वो क्या है, एनिमेशन इंस्टीट्यूट, तो क्वेश्चंस आप यहाँ देखोगे इस तरह से बेसिकली लोग इसको सर्च कर रहे हैं, अभी डेटा इसका गैदर कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। फ्री में इसको चलाने का आप रजिस्टर कर लेना, देन उसके बाद आप एक दिन में 3 सर्चेज इसके ऊपर कर पाओगे पढ़ने की, इसको करने का प्लान। ऐसे ही कहता आपका मोज बार एक्सटेंशन, ये भी काफ़ी फेमस कंपनी है। इसमें भी आप जाओगे कुछ फ्री SEO टूल्स आपको इसके भी मिलेंगे देखने को। पर फ्री SEO टूल्स लोड होने देगा। ठीक है, तो जैसे डोमेन को आपको एनालाइज करना है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च आपने करना है, कीवर्ड एक्सप्लोर करना है, अपने लिंक को एक्सप्लोर करना है, तो वो काम आप यहाँ से ले सकते हो। डोमेन सिस्टम आप जाओ, यहाँ पर जाके आप डोमेन का नेम बताओ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम लिख देता हूँ फ्लिपकार्ट, एंड इसकी अथॉरिटी चेक करके देखो। क्या आ रहा है इसका डोमेन अथॉरिटी 89 ठीक है, तो काफ़ी हाई है, मतलब नियर अबाउट ये 90 पहुंच गए। तो जैसे गूगल वगैरह है ना, तो गूगल वगैरह की भी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी है, तो जितनी हाई डोमेन अथॉरिटी होगी
तो जब आप कोई बैकलिंक बनाते हो ना तो आपको उसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। यानी कि एक ऐसा समझो कि जैसे मैं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपका काम बहुत अच्छा है, तो मतलब समझ गए ना अथॉरिटी का क्या काम हो रहा है उसके अंदर, कि डायरेक्ट आपका वहाँ से रेफरेंस अगर मिल रहा है तो यानी कि आपका लिंक सबसे ज़्यादा लॉयल माना जाएगा उस केस में। जैसे ना पेज अथॉरिटी भी होता है, DAPA जिसको लोग बोलते हैं, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, और ये ना धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ अरेना एनिमेशन डैश इंडिया डॉट कॉम, चेक अथॉरिटी पर जाएगी तो ये 20 या कुछ इसका आना चाहिए इसको, अभी तो उसका 11 ही आ रहा है, ठीक है, तो ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। स्पैम स्कोर कितना रहा है इसका 40%, तो स्पैम स्कोर कम होना चाहिए। फ्लिपकार्ट कितना है स्पैम स्कोर 1%, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे फ्लिपकार्ट का पेज अथॉरिटी कितना आ रहा है 71, यूट्यूब का डोमेन अथॉरिटी 100 out of 100, ठीक है, लिंक्डइन 99, माइक्रोसॉफ्ट 99, एप्पल 99, ठीक है, तो ये मतलब यूनिकॉर्न बन चुके हैं, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं कि वो वेबसाइट्स हैं। यहाँ से आप कीवर्ड एक्सप्लोर कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको अकाउंट पहले बना लेना है, फ्री अकाउंट, देन उसके बाद हमने ट्राई करना है इसमें। तो आपको मैं आगे चल के मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जहाँ से आप बहुत कम अमाउंट में पे करके SEO के लिए टूल्स वगैरह ले सकते हो। जैसे कि एक ऑप्शन रहता है टूल्स बाय, ये सिर्फ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके इसको लेके किसी क्लाइंट का काम मत करना, क्योंकि होगा क्या जैसे कि 15 अकाउंट बना के लोगों ने ना पब्लिक में शेयर कर दिया इसके अंदर, और जब आप इस पर अपना अकाउंट बनाओगे तो हो सकता है कि आपका कोई अकाउंट डिलीट करके अपना वेबसाइट वहाँ पर लिस्ट कर दे, ठीक है, तो ये ना लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है। बट हाँ, टूल की प्रैक्टिस करने के लिए पेड में इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं, गेट स्टार्टेड, बंद करेंगे इसको, यहाँ पर आप देखें अलग अलग प्लान से मेंबरशिप में, जैसे प्रो प्लान 449, एडवांस प्लान 549, राइटर पैक, जो राइटर्स हैं जब ली वो लोग ले सकते हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं वो लोग ये वाला प्लान ले सकते हैं। SEO के लिए एडवांस प्लान मेरा सबसे बेस्ट आता है। तो हम लोग बैक करके देखें क्या क्या ये टूल्स हमें ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर, तो चूज नाउ पे एक बार अफोर्डेबल प्राइस ये देखना चाहिए। तो इसमें क्या क्या टूल मिले हमें 549 इंक्लूडिंग टैक्स के अंदर, सैमरस, ऊवर सजेस्ट, मोस प्रो, ठीक है, यहाँ से आपके जनरली मेजर जितने भी SEO टूल्स हैं सब हैं इसके अंदर। आपको इसी के अंदर कैनवा प्रो वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है, पिक्सआर्ट, कैनवा प्रो, और हो सकता है इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स, अमेजोन भी मिल जाएगा, रहता है कई बार, ठीक है। तो SEO के सारे टूल आपको 1 month के लिए ट्रायल करने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर 549 में। अदरवाइज अगर आप किसी एक का ही लेने जाओगे ना तो आपको 2-3 हज़ार रुपये से कम में नहीं आएगा, और इसमें इस टेक्निक के थ्रू आप सारे टूल्स की टेस्टिंग कर सकते हो बहुत ईजी। ये लिंक देता हूँ टूल्स बाय के नाम से, और ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी यूज़ कर चुका हूँ इसको। अगर आप मैं अपना घर यहाँ पर ओपन करते दिखाई दे टूल्स बाय लिखा है तो मैं खुद भी इसको यूज़ कर चुका हूँ 1 month के लिए। हाँ, ये सब वही है जैसे मैंने आपको ऐप दिखाया ना, ऊबर सजेस्ट। अब ऊबर सजेस्ट का अगर आप लोगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन यहाँ 549 में ऊबर सजेस्ट भी आपको मिल रहा है, सैमरस HREF एक आपका टूल आता है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, सारे टूल्स हैं इसके अंदर। मतलब ये सारे ये सब वेबसाइट्स हैं, SEO के कोई ना वो नहीं आते आपके सॉफ्टवेयर वगैरह, वेब एप्लीकेशन के दबू की, हाँ कुकी वगैरह मिल जाती है, मोड AP के, मोड AP
के से ना थोड़े से रिस्क रहते हैं, मोड एपीके ना डालना नहीं चाहिए। मोड तब चलाओ जब आपके पास बिल्कुल एक सेपरेट डिवाइस हो, क्योंकि मोड एपीके बनाए जाते हैं जनरली आपके डेटा को हैक करने के लिए, तो उसको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मोड से काम तो चला लेते हैं, जैसे कि वो वीडियो एडिटिंग के टूल्स वगैरह में सब मिल जाते हैं, लेकिन पीछे सारा डेटा निकाल लेते हैं तुम्हारा। तो बहुत ध्यान से, मतलब एक ऐसा डिवाइस रखो फिर जिसमें तुम्हारा कोई इस तरह का काम ना हो। दूसरा, अब मान लो कि आप कोई अपना फुटेज एडिट कर रहे हो, अब आप फुटेज उनके सर्वर पर अपलोड करोगे तो आपका डेटा उनके पास रहेगा, वो डेटा का क्या करे, कोई गारंटी वारंटी नहीं उस चीज़ की। नाम चल रहा है कंपनी का भी, मैंने पिक्सार्ट का चला रहा हूँ, लेकिन पिक्सार्ट का वो मोड ए पी के, यानी कि नाम उसका चल रहा है, फीचर सारे उसके हैं, लेकिन सर्वर किसी और का है, मे बी हो सकता है कोई चाइनीज सर्वर हो। तो अपने डेटा की ना सेफ्टी के लिए सबसे पहले सोचो। ये आपका एक टूल आता है SEO Quick के नाम से, उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसका ना बेसिकली एक्सटेंशन आता है जो आपने ब्राउजर में अपना डाल के रख सकते हो, और उसके बाद जिस भी पेज पर आप जाओगे ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आपका दिखाता रहेगा। जैसे एक आता है आपका कीवर्ड्स एवरीवेयर, काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है, सभी के लिए इसका आपको मिल जाएगा ब्राउजर में। तो यहाँ से हमने जैसे क्रोम में डालना है इसको, 2022 से पहले था कि फ्री था, बिल्कुल सारे काम कर देता था आपकी कीवर्ड का। अगर आपने कोई पूरी लिस्ट निकाली पूरी एक्सेल में, आपको डेटा वेटा सब एक्सपोर्ट करके दे देता था बहुत अच्छे से। लेकिन अब ये भी काफ़ी पॉपुलर हो गए तो इन्होंने भी अपना पेड कर दिया। तो दिखाई दे रहा है अपना यहाँ पर कीवर्ड एवरी। अब क्या करना है, आप किसी वेबसाइट पर आओ, जैसे मैं गूगल पर आ जाते हैं, और यहाँ के आप सर्च करते हैं अरीना एनिमेशन और एंटर, ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा। अब यहाँ पर जो डेटा वेटा दिखने का तरीका है ना वो बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपना कुछ बंद करने लगे, इसके डिफ़िकल्टी बता रहे हैं SEO की, क्योंकि अरीना के अरीना एनिमेशन कीवर्ड के ऊपर जो डिफ़िकल्टी है वो 100 में से 93 है, यानी कि अगर आप चले इसका SEO करने तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिटिव है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल जितना कम होगा उतना SEO करना आसान होता है किसी कीवर्ड का, और जितना आपका डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा आप SEO उसका नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल ब्रांड क्वेरी है, यस, ऑफ पेज इसका डिफ़िकल्टी कितना है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 71 आपको यहाँ पर कुछ रिटर्न कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ऑन पेज डिफ़िकल्टी आपको दिखा रहे हैं जो कि आपके कितना आ रहा है, 99 समथिंग का आ रहा है। तो अरीना एनिमेशन कीवर्ड पे काम ही नहीं करना अगर आप अरीना एनिमेशन की वेबसाइट वगैरह पे बना रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि अरीना एनिमेशन ऑलरेडी इतने सारे हैं, कहाँ तक आप उसके साथ कॉम्पिटिट करोगे। सो बेटर इज़ कि अपनी सर्विसेज के ऊपर, अपनी लोकेशन के ऊपर, अपनी प्लेसमेंट्स वगैरह के ऊपर, उनके ऊपर आप काम करो, आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सर्चेज अगर देखी जाए, ठीक है, एक पूरी हिस्ट्री की ट्रेंड डेटा फॉर कीवर्ड्स एवरीवेयर, तो आप यहाँ अगर देखोगे तो ये 2020 के बाद से इसकी पॉपुलरिटी का ग्राफ जो काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये टूल काम करता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ओनली $1.75 पर मंथ चीपर देन अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, आप जाके इसको खरीद लो, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, एक यूज़र बना सकते हो, कीवर्ड्स पर वेबसाइट 1000, ठीक है, बैकलिंक्स पर वेबसाइट 1000। इसी तरह से अपने अलग अलग प्लान देखो कि कितना आपका यूसेज है, आप अपना टूल खरीदो और यूज़ करो। तो 1 credit = 1 keyword, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 1 lakh credits, ठीक है। SEO के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो एक वेबसाइट आती है सर्च इंजन आइलैंड, कुछ भी नया अपडेट एल्गोरिथम अगर गूगल ने अपडेट किया है या किसी भी कंपनी ने अपडेट किया है तो आपको यहाँ से इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्या मिलेंगे, ब्लॉग्स, जैसे गूगल एड्स 3D मॉडल मार्कअप फॉर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डेटा, जैसे 5 reasons why ranking, तो ये SEO के ऊपर आपको सारे मिल जाएंगे। तो जैसे कंटेंट, ई कॉमर्स, एंटरप्राइज, इंटरनेशनल लिंक बिल्डिंग, किसके ऊपर आपको नहीं देखना कॉन्टेंट, वो आप यहाँ देख सकते हो। एक गूगल का आपको फीचर बताता हूँ, google.com/alerts, ये आपका URL है। इससे क्या है कि बेसिकली अगर आप चाहते हो कि मैं इंडस्ट्री से बिल्कुल अप टू डेट रहूँ, जिस भी फील्ड में आप हो, लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट या एनिमेशन, गेमिंग, VFX, तो यहाँ जाके आपने अपना वो क्वेरी डाल देना है कि मेरे को अलर्ट किस चीज़ के ऊपर चाहिए गूगल से। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड गूगल पर आएगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली मेल कर देगा उस चीज़ का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जाके एनिमेशन, तो एनिमेशन से रिलेटेड आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर सारे न्यूज़ दिखाई देने स्टार्ट हो गए ना। तो यहाँ से जाके आप इसके अंदर अपना अलर्ट बना के आ सकते हो कि भाई सोर्स क्या रहेगा, ऑटोमेटिक न्यूज़, ब्लॉग, वेब कहाँ से, ठीक है। अगर आप न्यूज़ पर चूज़ करोगे तो जैसे कोई न्यूज़ पब्लिश होगी तो आपको डेटा मिल जाएगा, ऑटोमेटिक रखोगे तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप यहाँ से VFX अगर आप जाके डाल दोगे तो सारे न्यूज़ देखो नीचे VFX रिलेटेड चेंज हो गए अपने। गेमिंग में लिखोगे तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि मेरी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है वो आपको पता रहेगा। जैसे यहाँ जाके लिख दो वेब डिज़ाइन, तो आप देखो 15 टॉप वेब डिज़ाइन टूल्स एंड रिसोर्स टू ट्राई इन 2024 साइट पॉइंट। तो ऐसे जाके ना google.com/alert के ऊपर आप अपने जिस भी डोमेन के अंदर काम कर रहे हो वो अपने डोमेन के अलर्ट बना लो, ठीक है। आपके पास ऑटोमेटिकली एक मेल आएगा, ये काम लॉगिन करके करना है जीमेल में, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि किस तरह से लेना है, एज इट हैपन्स या फिर मोस्ट वंस अ डे या फिर वीक में। तो यहाँ पर आप जब भी कुछ हैपन हो इस तरह का तो वो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लो, जैसे ही कुछ अपडेट आया फट से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये तरीका है जिससे हम लोग इंडस्ट्री में एकदम अप टू डेट रह सकते हैं। तो मुझे कैसे सारी चीज़ें पता होती हैं, ऐसे ही पता होती हैं, तो तुम्हें भी इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जाकर भाई सेट कर लो, दिन में 1-2 घंटे का अपना टाइम निकालो, पढ़ो अपने इंडस्ट्री के बारे में कि चल क्या रहे। क्योंकि देखो आज आप जो चीज़ें कर रहे हो ज़रूरी नहीं कि वो 2 साल बाद रहेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब जैसे आज आप ऐसे मुझसे सीख के चले जाओगे तो कल को आप सोचो कि सर ने सिखाया था वही चलेगा ज़िंदगी, और नहीं, एल्गोरिथम बदलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना कहाँ से, क्या नया अपडेट आया। तो ये सर्च इंजन आइलैंड, और एक आपका वेबसाइट इसमें और रहेगा अपना, विच इज सर्च इंजन जर्नल। यहाँ से ये 2 वेबसाइट है जो बेसिकली आपको SEO से रिलेटेड नए नए अपडेट देती रहेंगी। देखो यहाँ पर गूगल एल्गोरिथम अपडेट आ गया नीचे, चलाओ आगे, यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपना टेक्निकल, अपना ऑन पेज हमारा कंप्लीट है पार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा ऑफ पेज का। ऑफ पेज में कैसे हमने बैकलिंक्स बनाने हैं। बैकलिंक पहले के टाइम में क्या था, फ्री थे, हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर बहुत इजीली बैकलिंक बना के आ सकते थे। आज के डेट में बैकलिंक का भी ना बिजनेस हो गया, यानी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कहती हैं कि हमारे पास आप आगे बैकलिंक बनाओ और एक हम आपको सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, लाइक 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ आप हमें हर महीने पे करते हो, बैकलिंक हमारी वेबसाइट बनाते रहो आप, ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा है आजकल, तो बैकलिंक बाय भी किए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे एक वेबसाइट है स्पार्क ट्रैफिक बाय बैकलिंक्स हाई क्वालिटी हाई DA लिंक बिल्डिंग, इस वेबसाइट पर आप जाओ। ये सब क्या है, स्पॉन्सर 1, 2, 3, 4, उसके बाद में linkbuilder.io, ठीक है। यहाँ पर बाय बैकलिंक द राइट वे इन 2024 एक ब्लॉग लिखा है किसी ने, इसको ये अपना चीज वगैरह कर इसको साइड। प्राइसिंग मॉडल देखो,
बाउंड्रीज मोज पर आप देख रहे हो डोमेन 10 प्लस गारंटीड यू एच आर यू डी आर 10 एवरेज इंक्लूड 500 वर्ड्स टेक्स्ट वन एंकर टेक्स्ट टारगेट यू आर एल तो $47 का बेसिकली आपसे ले रहे हैं पर बैकलिंग देख रहे हो तो बैकलिंग का बहुत तगड़ा बिजनेस है आज की डेट में तो बैकलिंग बनाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में तो करना क्या चाहिए जितने भी साइट ओनर हैं उन सभी को अपनी वेबसाइट में सोशल मीडिया को इंटीग्रेट करना चाहिए सोशल मीडिया अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जैसे कोई पोस्ट हुआ वेबसाइट पर कंटेंट वही एज इट इज़ ले जाके आपने डाल के आ जाना है फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर ट्विटर के ऊपर अब लिंक्डइन ट्विटर में किसी ने देखा उसने क्लिक किया तो वो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा वहाँ से तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो आपका एज अ बैकलिंक कंसिडर होगा ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर यहाँ पर आते हैं लिवास्तु में और हम लोग ब्लॉग के अंदर जाते हैं ब्लॉग पर जाने का जो भी आपने ब्लॉग अपना पोस्ट किया है उस यूआरएल को आपने लिया और जैसे हम लोग यहाँ जाकर लिख देते हैं facebook.com अगर अपना ऑलरेडी लॉगिन होगा इसके अंदर तो हम यहाँ पर जाके जैसे ही इस पर यहाँ पर टैप करेंगे और वो यूआरएल हम लोग यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो अगर हमने ओपन ग्राफ अगर इंटीग्रेट कर रखा होगा तो मेरा वो फोटोग्राफ ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगा ये सिखाया था ना मैंने कैसे होती है क्या चीज़ है अब आपने इसको पोस्ट कर दिया यहाँ से तो जैसे कोई वास्तु टिप्स फॉर सेटअप और होम ऑफिस पर क्लिक करेगा वो कहाँ चला गया मेरी वेबसाइट में और अगर आपने यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो ना करके आपने क्या करा यहाँ पर ला के कंटेंट लिख दिया अपनी वेबसाइट का उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आप ट्रैफिक को फेसबुक से अपनी वेबसाइट पर नहीं ला पाओ लेकिन अगर हमने इस तरह से डाला तो यूजर्स को जब टैप करेगा तो मेरी वेबसाइट पर बैकलिंक करेगा यहाँ से तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सोशल मीडिया को इंटीग्रेट करें अगर नहीं है तो आपको उसका डिसएडवांटेज होगा दूसरा तरीका है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे जहाँ पर जाके आप बैकलिंक बना सकते हो तो कौन कौन सी हो सकती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा लेकिन उनका भी गारंटी ये नहीं है कि आपने कमिंग फ्यूचर में क्या रहने वाला लाइक आज वो लोग बैकलिंक दे रहे हैं कल हो सकता है कि वो आपको बैकलिंक तो दे लेकिन उस बैकलिंक से आपको बेनिफिट ना हो तो लिंक में चलता है डू फॉलो नो फॉलो यानी कि आपको डू फॉलो मिल रहा है नो फॉलो मिल रहा है अगर आपको नो फॉलो मिला तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बैकलिंक की क्वांटिटी तो आप बढ़ा लोगे लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा तो इसलिए आपने सबसे ज़्यादा जो रिलाय करना है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करना है तो इसलिए आज के में हर एक कंपनी अपना सोशल मीडिया ज़रूर बनाती है तो जैसे आप टूथपेस्ट भी अगर खरीद के लेकर आते हो तो देखना उसके बॉक्स पे कहना कि सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स अवेलेबल होंगे ठीक है वो क्यों है इसीलिए बनाएगा नहीं तो अच्छी खासी कॉस्ट पे करो उसका कोई फायदा नहीं और एक वेबसाइट का अगर बैकलिंक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है क्योंकि आप जो गूगल में सर्च करते हो ना वो बैकलिंक का ही कमाल होता है इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या हमारा रैंक इंप्रूव हुआ या नहीं और एक चीज़ जितनी भी हमने इसमें फोटोग्राफ्स डाली है ना हमें इन सभी का ना ALT भी अपलोड करना होगा तो हमारा जो स्कोर होगा और इम्प्रूव हो जाएगा इसके अंदर आज के लिए इतना रखते हैं।